हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं कि रेक एंगल क्या है, क्लीयरेंस एंगल क्या है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। देखिए, इसको आराम से समझना, बहुत ही अच्छी वीडियो है, इसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा। देखिए, हम क्या करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को यहाँ पे फिट करेंगे और इसको हम जूम करके देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है। ओके, यहाँ पे देखिए, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। तो ये देखिए, हमने ये वाला एंगल जो है ये सरफेस के साथ टच कर लिया और ये 90 डिग्री पे रख दिया। इसके साथ क्या कर दिया, 90 डिग्री के साथ। तो वर्क पीस के साथ ये 90 डिग्री और ये सरफेस के साथ बिल्कुल जीरो एंगल पे हमने कर दिया। तो इससे हम ये देखेंगे कि इफेक्ट क्या पड़ता है, क्या हो क्या जाएगा अगर हम इस तरह से रखते हैं। तो ये कटिंग कर रहे हैं, देखिए। ओके, तो ये मशीन शेपर मशीन पे कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको जूम करके देखेंगे। तो आइए अब हम जूम करके देखते हैं और मटेरियल किस तरह से रिमूव हो रहा है ये सारा हम यहां से देखेंगे। ओके, अब देखिए, यहां पे मेटल जब रिमूव हो रहा है तो एक तो यहां से सही तरह से फ्लो नहीं कर पा रहा और दूसरी बात कंप्रेस हो होकर टूट रहा है। जब हम कहते हैं ना कि चिप जो है टूटते हैं या चिप सही नहीं बनते हैं, रेगुलर चिप नहीं मिलते हैं, तो ये देखिए ऐसे होते हैं और ये सरफेस टच में आ रहा है। देखो, ये पूरा सरफेस टच में आ रहा है, तो मतलब इसकी घिसाई हो रही है भाई साहब, फ्रिक्शन हो रहा है और यहां पे चिप भी सही फ्लो नहीं हो रही। तो इसका क्या सोल्यूशन करें, तो इसकी सोल्यूशन करने के लिए ही हमने समझा रेक एंगल और क्लीयरेंस एंगल को। तो हम इसकी थोड़ी सी एंगल्स चेंज करेंगे और इसके ऊपर ग्राइंडिंग करें। इवन ये देखना यार, ये अच्छी बात है, ये फ्रिक्शन के कारण देखना नीचे, यहां पे हमारे पास क्या हो गया, सरफेस खराब हो रहा है इसका सरफेस खराब हो रहा है क्योंकि रगड़ हो रहा है, रगड़ाई हो रही है। और दूसरी बात, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को पूरा समझा रखा है, वो वीडियो जरूर देख लेना अगर आपको पूरे एंगल नहीं देखे आपने। तो यहां से देखें तो इसका सामने वाला सरफेस देखिए, ये इसको रब करेंगे हम, ये देखिए ये रब हो रहा है यहां पे, तो ये ग्राइंडिंग के थ्रू हम कर रहे हैं। और इसी तरह हम ऊपर भी करेंगे, यहां पे भी नीचे भी एंगल बनाएंगे और ऊपर भी एंगल बनाएंगे और ये ग्राइंडिंग के थ्रू करेंगे। अब देखिए, ग्राइंडिंग करने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये जो हमने किया ये क्लीयरेंस एंगल है, ये ताकि सरफेस के साथ टच में ना आए। ओके, तो ये एंगल हमने बना दिया, ये देखिए अब टच हो रहा है, जो हमने जीरो रखा हुआ था ये अब नहीं है, इसलिए क्लीयरेंस एंगल जरूरी है। और इस एंगल की बात करें, ये वाला ये होता है रेक एंगल। इसको ज्यादा अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी यहां पे एंगल देंगे। हम क्या करेंगे, देखिए रेक एंगल को बढ़ाएंगे, ये देखिए। अब देखिए यहां पे रेक एंगल, इसका एंगल बढ़ चुका है और ये क्लीयरेंस एंगल और ये रेक एंगल। और अब इसको फिर से अगेन करके देखेंगे कि इस पे इफेक्ट क्या पड़ता है। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, यहां से देख सकते हैं आप। तो अब देखिए, अब जो है चिप फ्लो होना वो नेचुरली फ्लो हो रहा है, नेचुरली फ्लो होना अपने आप फ्लो हो रहा है और ये चिप टूटेगा नहीं। जितना रेक एंगल सही रखोगे, जितना ज्यादा रेक एंगल रखोगे, उतना स्मूथनेस से आराम से चलता जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, तो ये चिप फ्लो हो रहा है, अब और ज्यादा अच्छा आपको दिखेगा। ये देखिए, अब ये जो यहां पे होता है ना, देखिए इसकी लेंथ ये होती है शीयरिंग प्लेन, यहां पे कि किस एंगल पे आप शीयरिंग कर रहे हो। तो ये देखो फ्लो किस तरह से हो रहा है। अब देखेंगे कि शीयरिंग प्लेन क्या होता है, ये हमारे पास एक मॉडल है। अब देखिए ये जो लेंथ है, ये देखिए ये जो लेंथ है, ये शीयरिंग की लेंथ जो है, ये शीयरिंग करने का ये लेंथ और ये शीयरिंग क्या होता है कि ये प्लेन है हमारे पास। शीयरिंग प्लेन कैसे दिखा सकते हैं, अगर हम पूरा देखें कि लेंथ ये है, ये विड्थ है और इसका जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, शीयरिंग प्लेन बोल देंगे। ओके, इसको उठा के देखिए और ये देखिए, ये वाला जो है ये शीयरिंग प्लेन है और ये शीयरिंग प्लेन हमारा रेक एंगल पे में डिपेंड करेगा कि रेक एंगल कितना है। ये देखिए, ये है शीयरिंग प्लेन। तो शीयरिंग प्लेन आपको समझ आ जाएगा कि शीयरिंग प्लेन क्या होता है, यहां से समझ आ सकता है। अब हम करके देखेंगे कि हमारे पास अगर रेक एंगल अलग अलग ले, पहले हम करेंगे कि 5 डिग्री का रेक एंगल ले लेंगे और 5 डिग्री के रेक एंगल पे हम देखेंगे कि चिप किस तरह से फ्लो करता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री का रेक एंगल और यहां से जब चिप फ्लो कर रहा है तो अगेन वही कि हमारे पास रेक एंगल कम है तो चिप प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पा रहा है। यहां पर देखो तो आपको सही दिख रहा होगा, तो ये 5 डिग्री का रेक एंगल है और आराम से चिप जो है धीरे धीरे फ्लो कर रहा है और ये देखिए चिप इवन बार बार टूट भी रहा है और हमारे सरफेस को भी खराब कर रहा है। चिप भी टूटेगा, सरफेस को भी खराब करेगा। अगर हम इसके 5 डिग्री को 15 डिग्री में बदल दें, इस 5 डिग्री रेक एंगल को 15 डिग्री में बदल दें, थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, तो
तो अब हम देखेंगे मशीनिंग करते हुए रेक एंगल का इफेक्ट कुछ होता है या नहीं होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब आप चिप देखना कितने स्मूथली फ्लो करेगा। ये देखो 15 डिग्री करने से, 5 से 15 किया और हमारा चिप जो है वो प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर फ्लो करने लग गया और टूट भी नहीं रहा चिप। तो हम कहते हैं ना चिप टूट रहा है, चिप कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए इस तरह से। अब अगर आप देखोगे तो यहां पे देखो ये चिप ऊपर तक जा रहा है, वो यही टूट रहा था पहले 5 डिग्री पे, ये 15 डिग्री पे ऊपर जाके आराम से फ्लो हो रहा है। ओके, ये 15 डिग्री का असर पड़ता है रेक एंगल का। तो रेक एंगल दिमाग में बिठा लो किस तरह से होना है। वो क्लीयरेंस एंगल तो साफ दिख रहा है हमें कि क्लीयरेंस एंगल किस लिए चाहिए होता है। अब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि शीयर प्लेन का इफेक्ट क्या पड़ेगा, मतलब क्लियर है हमारे पास एंगल जो होगा शीयर लेंथ पे कैसे असर होगा। 15 डिग्री देखिए इसकी शीयरिंग लेंथ इतनी है, और अगर 5 डिग्री था तो शीयरिंग लेंथ देखिए इतनी है, मतलब शीयरिंग लेंथ जो है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 5 डिग्री पे शीयरिंग लेंथ ज्यादा, 15 डिग्री पे शीयरिंग लेंथ कम, तो शीयरिंग लेंथ कम होनी चाहिए। अगर शीयर प्लेन शीयर लेंथ हमारी कम है तो भाई साहब हमें फायदा मिलने वाला है, हमें फायदा मिलने वाला है और इसके चिप कंटिन्यूसली फ्लो करने वाले हैं और हमें प्रॉब्लम नहीं देंगे। ओके, तो ये अच्छी चीज है तो भाई अच्छी चीज को लाइक तो कर दिया करो, ठीक है। लाइक में पता नहीं क्यों कंजूसी करते हो आप, एक लाइक का बटन दबा देना और सब्सक्राइब का बटन दबा देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो, और बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। अब हम इसको यूज करके देखते हैं। देखिए हमारे पास सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को इसके ऊपर यूज करके देखते हैं कि किस तरह से ये चिप फ्लो होते हैं इसके ऊपर। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से आप वर्क कर सकते हो, तो एक बार आराम से देखो वीडियो को। और यहाँ पे हम एक और वीडियो बनाऊंगा, इसकी ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी नहीं तो, ये भी आपको समझाऊंगा पूरा। अभी आपके लिए दो एंगल मैंने समझा थे, क्लीयरेंस एंगल और रेक एंगल, वो मैं अपनी तरफ से कर चुका हूं, ठीक है। तो अभी लास्ट एक बार फिर से देख लें कि हमारे पास टूल है, तो टूल के हमारे पास दो एंगल है, ये क्लीयरेंस एंगल है और साइड में यहां पे रेक एंगल है, ठीक है। रेक एंगल है, ये हमारे पास एंगल होते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब दें कि हम नॉर्मली रेक एंगल कितने डिग्री रखते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास जो रेक एंगल, ये रेक एंगल, अगर कुछ बच्चे का यहाँ पे आंसर आए कि सर अगर रेक एंगल बढ़ा रहे हैं तो फायदा मिल रहा है, और बढ़ा दो, यहाँ हमें भी यहाँ पे बढ़ाने की भी लिमिट है, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। बढ़ाने की भी लिमिट है, रेक बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हो, उसके बाद फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि रेक एंगल कितना होना चाहिए। और अगर आप एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।